आप सभी छात्रों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कक्षा आठवीं का गणित का बिल्कुल रियल क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं। अगर आपको मैं जितना भी क्वेश्चंस को बताऊंगा इस पेपर में पूरे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो यार आपका 80 में से 75 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चंस पूरे को अच्छे से रिविज़न कर लेते हो तो यार 80 नंबर तो पक्का आपका पक्का है पक्का बन जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर को बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-2024 विषय गणित कक्षा आठवीं का रियल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लेना आपके जो पेपर होंगे ना, सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप के पेपर मिलेंगे। तो सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में डालना है और शब्दों में, ठीक है, जो आपका रोल नंबर है। उसके बाद आपको आपका जो भी नाम रहेगा विद्यार्थी का नाम डालना है और स्कूल का नाम डाल देना है, ठीक है। तो इतना में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ विद सॉल्यूशन के साथ में, मैं आपको देख सकती हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, सोच लो, ठीक है। लास्ट तक देखना, एक भी प्रकार का मिस मत करना। अगर आप लोग मिस कर दोगे ना तो यार आप लोग फेल हो जाओगे, तो मेरे को मत करना क्योंकि पूरा का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर बताने वाला हूँ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले पे आता है, यदि x प्लस 6 बराबर 10 है तो तथा x बराबर कितना होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो x प्लस 6 बराबर 10 है तो इसको x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हम 10 माइनस 6 कर देंगे तो x का मान हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4, ठीक है, और उसके बाद 144 का वर्गमूल होगा, ठीक है। 144 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा। तो घनान में कुल कितने फलक होते हैं, तीन लोगों का राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, तो पहले का 4 हो जाएगा और 144 का 12 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर देख लो, मिला लो, और उसके बाद तीसरे नंबर का 6 हो जाएगा और चौथे का 5 हो जाएगा और पाँचवें का ऊंचाई शीर्ष लंब हो जाएगा, छठ में क्या की लंबाई बराबर होती है। देखो गाइस ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे को पहले पता है, ठीक है। तो मैं क्या किया हूँ, रफ में लिख लिया हूँ क्योंकि बताते समय थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है और आपको मैं गलत बता दूंगा और आप लोग पेपर में दे के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को कहोगे, इसलिए मैं पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन है ना पूरे सॉल्यूशन को मैं रफ में लिख लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से पूरे क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। और 110% यार 80 में से आपका 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग, घन में कुल कितने फलन होते हैं, ठीक है, तो फलक होते हैं, इसको देख लेना। 144 का घनमूल होगा, ठीक है, समांतर ऊंचाई का क्षेत्रफल आधार और गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो धन की ऊंचाई भुजाएं और फलक बराबर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए 5/6 प्लस 3/8, ठीक है। जिसको एलसीएम करना है तो इसको भी कर लेंगे, तो हम लोग अभी बता देते हैं सातवें नंबर का आंसर, ठीक है। तो सातवें का आंसर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इसका 8 और 6 और 8 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, तो देखो 2, 2, 2 से कट जाएगा तो इसका 24 सेल्सियम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 का भाग ऐसा करेंगे 24 से कि मतलब अधिक ना जाए, तो सब मिला के आप लोग देख सकते हो मतलब पूरा सब कुछ एलसीएम वगैरह करके 20 हो जाता है, 20 प्लस 9, ठीक है। तो उसको करेंगे 29/24, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आठवें नंबर पर चलते हैं, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात होता है ना 27/24 को, 124 को घात के रूप में व्यक्त कर लेना है, तो किस तरह से होगा, 124 को ऊपर को काट लेना है, जैसे इस तरह से लैंसियम काटे है ना इसी प्रकार से आपको कर लेना है। और उसके बाद में 3, 3, 3, 3 है, ठीक है ना, 3 को हम 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 5 को 5 के स्क्वायर में, और फिर उसके बाद हम लोग 3, 3 सेम है तो इसको मैं ऊपर कर दूंगा और 3/5 इसका आपका घात के रूप में आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका घात के रूप में भी आ जाता है, तो सिंपल इस प्रकार से आपका आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो आप लोग देखो गुणनफल ज्ञात भी हो गया इस तरह से, ठीक है। तो हाँ इसका हाँ, उसके बाद 9वें नंबर पे गुणनफल को ज्ञात कर लेना है, तो 3x+7 और 2x+2, ठीक है, इसका करना है तो सिंपल ऐसे करके गुणा हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग फटाक से कर लेते हैं 9वें नंबर का, कुछ इस प्रकार से इनका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 3x का इससे गुणा हो गया और
सात का इससे हो गया, ठीक है, तो थ्री का इससे और सात का इससे, उसके बाद में कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है सीरियलिटी से। फिर उसके बाद में थ्री का टू से गुणा हो जाएगा तो सिक्स हो जाएगा, और थ्री का टू से होगा, ठीक है, तो हो जाएगा थ्री का इससे, फिर इससे हो जाएगा तो हो जाएगा थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स प्लस, उसके बाद में जो दो है दो का गुणा हो जाएगा उससे, ठीक है, फिर उसके बाद इससे हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है फटाफट, ठीक है। फिर बचा आप लोगों का जो भी टोटल, आपको इससे इससे गुणा करके सबको जोड़ देना है, उसके बाद आपका समीकरण में आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दसवें नंबर पे चलते हैं। उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 390 वर्ग सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंबाई 26 सेंटीमीटर हो। तो चलो इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो, हम जानते हैं कि चतुर्भुज का आकार क्षेत्रफल बटे ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई 26 है, तो इनका हम लोग भाग कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो, तो इनको बटे में कर लेंगे, उसके बाद 190 बटे 13 मतलब 190 में 13 का भाग करेंगे तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 पे चाय के एक डब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो डब्बे का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। और आत्मे में आ जाता है, हल कीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग आत्मे को कर देते हैं, अर्थात जो समीकरण बना मतलब समीकरण में दिया है ना, तो इसको करने में थोड़ा इजी होता है। इसका भी हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो इसका भी आप लोग आयतन इसका ज्ञात कर सकते हो। तो चलो इसका हम लोग आयतन को ज्ञात कर लेते फटाफट से। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको इसके बटे में इसके बराबर में 2 था, ठीक है, और इसके एक किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो हम लोग 1 को मान लेते हैं, ठीक है, सिंपल आप लोग आंसर को समझो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे को ऊपर से और ऊपर को नीचे से, ठीक है। तो सिंपल हम लोग गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग देखो गुणा कर दिए हम लोग, फिर उसके बाद आप लोग देखो 4 को इससे कर देंगे इसको कर, मतलब ऊपर को ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो इनका आंसर आ जाएगा। सिंपल आप लोग देख सकते हो m बराबर, ठीक है, जो भी आता है आप लोग देख सकते हो, 2 आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इनका आंसर हो जाता है। उसके बाद 12 नंबर पे देख सकते हो, अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये मूल्य के ऊन तथा 800 रुपये के मूल्य से गहने खरीदे, ठीक है, यदि ऊन पर बिक्री कर 16% तथा गहरे पर बिक्री पर 8% हो तो उसकी दुकान को कितने आधा करेगी, ठीक है, तो इसको बताना है, तो इसको भी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर पे देख सकते हो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका चिकड़ 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इनका आप लोग आंसर देख लो, जो भी विक्रय का मूल था, ठीक है, तो कितने का था, 500 का था, तो 500 कितने प्रतिशत से, 16% से, 16/100 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे देखो एक से एक कट गया, ठीक है, बचा 10, ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो 16 को 5 से गुणा कर दोगे तो 80 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सेम इसी प्रकार से इसका भी कर देंगे तो 00 कट जाएगा, उसके बाद 8 बचेगा, तो उसके बाद गुणा हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इन लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद जोड़ने पर आप लोगों का राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पे आप लोग देखो, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर कंप्लीट हो गया था, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर आप लोग का प्राप्त हो जाएगा था, ठीक है। तो गाइस पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया। देखो आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, अभी के लिए बस इतना ही। चलिएगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलिएगा इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर नहीं की हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर से कर लेना। और आप लोगों को ये जो पेपर है ना, इस पेपर का PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम पे इसका आपको PDF मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। जैसे हिंदी समाज विज्ञान का हो गया ना, पूरे पेपर में वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो जाके चेक ज़रूर से कर लेना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और इस वीडियो को